वेलकम टू मुसाफिर समर। एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अर्थ रखता है, सारगर्भित है। वो सोचा कि बाल बच्चा परिवार सब लोग को बताना आवश्यक है, लोग रश कर जाते हैं। कुछ तो कहावत है, इट गोज लाइक दिस, फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। फूल आदमी जो है, मूर्ख आदमी जो है, दौड़ कर वहाँ चला जाएगा या दौड़ कर वो काम करेगा, दिस वे दैट वे अथी में। अभी खैर देखिए, कोरोना मीनस है, बहुत परेशानी है चारों तरफ, तो इसलिए भीड़ भाड़ से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, तो कोरोना को धोना है, दिस वे दैट वे सोप रखना है, सो हाथ अक्सर धोते रहिए जहाँ मौका मिले, और साथ साथ अथी भी कहिए सैनिटाइजर ये सब रखिए। तो वही कहा होता है कि फूल्स रस वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जो पढ़ा लिखा हम समझदार हैं, या एंजल्स हमारे फरिश्ते जहाँ जाने में डरते हैं, वहाँ फूल्स आसानी से दौड़ जाएंगे। अब बच्चा है वो तो कुछ जानता नहीं है, जैसे वो माइनर है या और भी छोटा बच्चा है, वो कुछ उसको पता नहीं है क्या सही है। एक तलवार दे दीजिए, कथी दे दीजिए, छुरी दे दीजिए, वो क्या कर लेगा कुछ पता नहीं है, तो वो तो रश कर जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर विवेक है आपको, समझदार है, जो एडल्ट है और मैच्योर है, तो वो समझेगा कंसीक्वेंसेज उसका। इसीलिए हरदम कहा जाता है, हमारे कंसल्टेंट, हमारे सीनियर लोग भी कहते थे, हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को एम्फेसाइज करते थे कि ऑलवेज एंड ऑलवेज माइंड बिफोर एक्शन। कोई काम करने के पहले सोचना है, बाद में अब पश्चात होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में कुछ फ़ायदा नहीं है। सोचा आप लोग से शेयर करें, बहुत अच्छा लगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, और शास्त्र संगत काम करना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मुसाफिर समर। बाय बाय।